हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी सफारी का पार्ट टू है। पार्ट वन जरूर से देखिएगा, आई बटन में लिंक आ गया होगा। एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सांबर फीमेल है, मेल काफी बड़ा होता है इसे। ये सामने में घोस ट्री है सर, देखना ये व्हाइट वाला पेड़ देखना है। यस यस यस, जो साल में तीन बार अपना कलर चेंज करता है व्हाइट ग्रीन एंड पिंक में, ओ घोस ट्री तभी बोलते हैं। यस, जब पूरी तरह से व्हाइट हो जाता है, इस पे मूनलाइट पड़ता है तो रेडियम की जैसा शाइनिंग करता है ये। ओ इसलिए इसको घोस ट्री बोला जाता है ना, कि यहां कोई घोस होता सर। ओ पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। अभी क्या होता है ना, अपन जैसे जंगल को जो है पूरी तरह से देख पा रहे हैं, जंगल का जो भी कलर है हर कलर में अपन देख पा रहे हैं, बट इसी को अगर मून लाइट पे देखें नाइट में, तो ये जंगल एक खाली परछाई के जैसा दिखेगा। हर जगह एक जैसा दिखना ही नहीं दिख पाएगा। और इस खाली परछाई को अलग से शामिल करने वाला पेड़ इसको घोस भी माना जाता है। इसको कुल्लू बोलते हैं, इसके लिए इसको जो है ना गम के लिए फेमस माना गया है। किसके लिए? गम, गम गम। ओके, तो इसकी लकड़ी भी होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, जैसे माचिस की तीली या गिटार की फ्रेम में जिस टाइप की लकड़ी यूज करते हैं ना, सेम इसी टाइप की लकड़ी है इसकी भी। इसे भी एक तरह से अगर देखा जाए तो यूज कर सकते हैं जी। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away.
गांव का नाम था, गांव का नाम पता था। फर्स्ट टाइम इसी इलाके को प्रोटेक्शन दिया हुआ था, धीरे धीरे करके क्षेत्रफल को बढ़ाया है। और अभी आज की डेट में जो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, पूरा क्षेत्रफल का नाम कान्हा नेशनल पार्क है। अच्छा, व्हाइट सॉक्स स्कूल बॉय, मतलब छोटा भी स्कूल बॉय, ओ स्कूल बॉय के। अच्छा अच्छा, कौन सा है? बोले बच्चा। हाँ बच्चा है, बता रहे हैं। बैठ गया होगा बीच में जाके। जो थोड़े डल से ग्रीन कलर है वो फ्लावर्स है। बैम्बू फ्लावर्स देखना भी बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। सफारी अब खत्म हो चुकी है, अब हम वापस आ गए अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ। तो सुबह 5 बजे के निकले हुए थे, बज चुके हैं 12। कुल मिला के कितने घंटे हो अपने? 5 घंटे। 5 घंटे हम जंगल में पूरा घूमे, टाइगर्स के क्लॉज को भी हमने फॉलो किया, पंजे के निशान, पर वो हमें नहीं दिखा। 2-3 गाड़ियों को दिखा भी, पर अपने को तो नहीं दिखा। वहाँ पे एक टाइगर का पूरी फैमिली थी, जिसमें वन मदर और 3 चिल्ड्रंस थे। तो तुषार, तेरा एक्सपीरियंस क्या था? मेरा तो बढ़िया था भाई, छत्तीसगढ़ वासी है। हाँ, ये तो आए हुए, तू तो दूसरी बार आ रहा है। दूसरी बार, पर टाइगर इसको भी नहीं दिखा क्योंकि बहुत कम चांस रहता है। बताया भी था लास्ट व्लॉग में कि मोस्टली गर्मी में ज्यादा दिखते हैं क्योंकि झील के पास आते हैं वो पानी पिलाने के लिए। अभी सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि पानी भरा रहता है लेक्स में, तो टाइगर को ज्यादा बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी हमारा चांस अच्छा था, हमारे को क्लॉज वगैरह मिले थे, उसके बहुत सारे पंजे के निशान मिले थे ऑन रोड ही, जिस रोड को हम फॉलो कर रहे थे। पर हमारा बैड लक कि हमें हमसे पहले वाली गाड़ियों का दिख गया, और उन गाड़ियों की वजह से वो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट चला जा चुका था। वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया था, आने लायक जगह। मौसम भी सुबह बहुत बढ़िया था, जैकेट जरूर लेकर आना, जैकेट जरूर लेकर। ओनली फॉर 2 आवर्स, अदरवाइज यू नीड दिस शॉर्ट्स, नथिंग एल्स। बाद में तो सही में शॉर्ट्स ही चाहिए, सुबह बहुत तीखा धूप हो जाता है। 10 बजे के बाद ही बहुत ज्यादा तीखा धूप हो जा रहा है, उससे पहले तो ठंड रहती है अंदर, फॉग भी रहता है थोड़ा थोड़ा। बाकी सत्यम हम लोगों ने टाइगर के अलावा और कई कई प्रजातियों के जानवरों को देखा, जैसे हाथी देख लिया, फिर जैकल देख लिया, फॉक्स देख लिया, और कई पेड़ देखे, कई बैम्बू ट्री देखा था जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, बैम्बू के फूल देखे। रेंजर्स के अकॉर्डिंग जो कि बहुत रेयर है देखना बैम्बू ट्री के फ्लावर्स, एंड वो लोग उसका बैम्बू का फ्रूट, जो बैम्बू फ्लावर्स का जो फ्रूट होता है उसका एज अ राइस यूज करते थे पहले जमाने में, जब ये पूरा गांव था, डेवलपमेंट नहीं थी। अब तो ये अंडर गवर्नमेंट हो गया,
और जो गांव के बंदे थे अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया 1970 साल के बाद शिफ्ट कर दिया 1970 के बाद यू कैन ओनली एक्सप्लोर अराउंड 28% ऑफ द जंगल बाकी जो लोग फोटोग्राफी के लिए आते थे एक दो तीन बार सफारी जाना होगा तब जाके एक आधी बार टाइगर दिख जाए तो दिख जाए बाकी नेशनल पार्क वालों ने मोशन सेंसर्स कैमरास लगा रखे हैं तो वो लोग तो फोटोज उससे लेते हैं और ट्रैक करते हैं उनकी एक्टिविटीज बाकी रेंजर्स वगैरह यहाँ के बहुत ट्रेंड हैं बहुत वेल इंफॉर्मेटिव है और पूरी कंप्लीट नॉलेज रखते हैं पूरे जंगल के बारे में सत्यम व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द रेंजर्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अप टू द मार्क अप टू द मार्क अप टू द मार्क यू आर फुली सैटिस्फाइड आई एम पार्शियली सैटिस्फाइड Why? Not fully because I have not spotted the tiger. yeah. So अब यहीं का व्लॉग इसी को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपना रूम टूर देते हैं और आगे का दिन हमारा पूरा चिल भरा दिन जाएगा रिलैक्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ जंगल में और देखते हैं फिर आगे क्या करना है टिल देन स्टे ट्यून्ड